वो टंकी टंकी खराब हो गया। ये क्या है सामने? कैसा लगा? मना किया था कि सब कुछ नहीं करने के लिए, तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बस एक ही तीली बचा हुआ है, एक ही तीली से सारा काम करना है। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले मंदिर, उसके बाद कहीं कहाँ का प्रोग्राम है वो देखा जाएगा। आज है हमारे पतिदेव का बर्थडे, तो वो सोए हुए हैं और इस बार जो उन्होंने सोचा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो सो गए हैं और आज उनको जल्दी ही सुला दिए हैं। तो डेकोरेशन वगैरह हमने कर लिया सब कुछ, अब उनको चल के उठाते हैं, बोलते हैं टंकी का नल खराब हो गया है, तब उठ के आएंगे वो। और ऐसा कुछ डेकोरेशन किया है मैंने, उम्मीद करते हैं उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बार वो मेरे लिए इतना कुछ स्पेशल करते हैं, तो मैंने सोचा इस बार उनके लिए स्पेशल हो। हर बार कोशिश करते हैं लेकिन हर बार जो है ना वो मेरा प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। तो चलते हैं और उनको बुलाते हैं, मैंने उनका कैप ले लिया और चलते हैं और उठाते हैं उनको। ये क्या है सामने? कैसा लग रहा है? तो ये है इनका सरप्राइज जो पहली बार सक्सेसफुल हुआ, नहीं तो कई बार इन्होंने फेल कर दिया है। इस बार हमने सख्त मना किया था कि सब कुछ नहीं करने के लिए, तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत ही तेज तरीके से बोला था कि नहीं करना इस बार, क्योंकि क्रियाश जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। इन्होंने बोला कि जो पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ क्रियाश ना होते, इन्होंने बोला था इस बार कुछ भी मत करना, तो हमने बोला था ठीक है। फिर हमने मोलू को कॉल किया कि मोलू आना, केक जो मेरा ले आना, बाकी मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, बाकी ये सारा सामान तो मैं पहले से खरीद के रखी हुई थी। अच्छा, कैसा लग रहा है बताइए आप? बहुत अच्छा खासा तामझाम है एकदम, और आज तक लगभग 5 साल हो गया है शादी का, तो एक केक और ये ज्यादा से ज्यादा रहता था, नहीं तो उसमें 3 कैंडल एक इधर एक उधर, और ये देखिए ना, एक गुलाब इतना सारा, ये सब सब कुछ है। अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच। तो ये गुलाब भी है पतिदेव के लिए, ये एकदम रेड रेड गुलाब, और उधर व्हाइट गुलाब भी है। व्हाइट गुलाब भी है, तो यही तो अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें इसमें डाल दिया था। बैठ जाए? हाँ बैठिए। नींद तोड़ दी है तो। अच्छा, नींद तोड़ दी, इतना अच्छा सरप्राइज आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये सब भी सब कुछ अच्छा लगा, तो वहीं पे बैठ जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने अरेंज कर लिया आराम से, क्योंकि उतना कुछ है नहीं, बाकी ये एलईडी है देखो। वो तो समझ में आ रहा है, बाकी इधर लगाते हैं इसको। तो दीपावली के लिए जो मंगाई वो मेरे बर्थडे में काम आ गया है। पहले आपके बर्थडे में यूज हो गया, ये बर्थडे में भी यूज हो सकता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बस एक ही तीली बचा हुआ है, एक ही तीली से सारा काम करना है। ये तीली गया तो भगवान जाने दूसरा माचिस है कि नहीं। कोई बात नहीं, इधर दिया जला हुआ है, से ले आओ, जला दूंगी। आज है हमारे पतिदेव का बर्थडे, तो हम लोग मिडनाइट सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये पतिदेव जो है हमारा, आज सोचे सरप्राइज देने का तो थोड़ा बहुत तो हो गया, लेकिन हमको लगता पहले से शक भी था आपको? शक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम मना कर रखे थे इस बार। आप क्या सोचे, मना कर देंगे मान लेगी? अच्छा नहीं मानी, अच्छा है, केक खाने को मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पतिदेव। थैंक यू। अरे गॉड ब्लेस यू। आज है हमारे पतिदेव का बर्थडे, तो हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर लिया, और पतिदेव से पूछते कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत ही अच्छा लगा जी, और बाकी जब भी किसी भी तरह का बर्थडे होता है तो उसमें होस्ट हम ही कर रहे होते हैं, हम ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं हमेशा, ये हम लोगों के लिए करते हैं, तो हमने सोचा कि ये जबकि मना किए थे तो हमने सोचा हम बोले मामले में मना कर रहे हैं, ये चीज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के मामले में, जब एंकरिंग करना होता है।
तो वही है। और बाकी आज जो है जिया करेगी, लेकिन जिया करेंगे आप भी कुछ बोल दीजिए अपने हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि कैसा लगा आपको। नहीं, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही यूनिक तरह का था। यह शादी का हमारा छठा साल चल रहा है हाँ। और छठे साल में बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिला, इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है ठीक है। तो इस 5 साल के बाद जो है कुछ नया आया एक अलग से, अब देखते हैं आगे क्या आता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ अच्छा कर सके, लेकिन कंपटीशन थोड़ा तगड़ा हो गया कि आखिर हम क्या आइडिया लेंगे। नहीं, ये हमेशा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, जितना मैं सोचती हूँ उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छा करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ये जब सबके लिए करते हैं तो इनके लिए भी करना बनता है भाई, तो थोड़ा इनके लिए कुछ अच्छा करूं। तो और बाकी जी हमारा बेटा जो है फिलहाल सोया हुआ है, जिसकी ज्यादा बात नहीं कर सकते। और हमारे मम्मी पापा नीचे हैं तो वो भी सोए हुए हैं, पापा को क्योंकि कल ड्यूटी जाना है, तो इसलिए रात के 12 बजे जो है बुलाना मुश्किल। इस टाइम हम लोग कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि सबका सोने का। और अगले दिन जो है केक सभी लोग मिल बांट के खाएंगे और बैठ के। ये देखिए आपको केक जैसे कटाई बोलते हैं, एक कटोरी केक दे दो जब उठाई दी हो तो आज है हमारे पतिदेव का बर्थडे, तो हमने घर में पूजा कर लिया कान्हा जी का और अब चलना है मंदिर। और आज हमने पहना है माँ का दिया हुआ इयररिंग। मेरे पास कितना भी अभी इन्होंने भी दिया है इयररिंग, बहुत सुंदर है, लेकिन कितना भी इयररिंग हो जाए मुझे ना ये वाला माँ का दिया हुआ बहुत अच्छा लगता है। कोई भी स्पेशल ओकेजन रहता है ना तो मैं ये वाला इयररिंग ज़रूर पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और है भी बहुत अच्छा। माँ ने बहुत प्यार से दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलेंगे अभी मंदिर, क्रियांश को भी स्कूल से ले लेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि उसके भी स्कूल का टाइम हो गया। घर का काम वगैरह करते करते ना समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ माँ आ गई है पूजा करने की और आज है पतिदेव का बर्थडे, तो पतिदेव भी जाएंगे अभी थोड़ा देर में मंदिर। तो कुछ बोलना चाहते हैं माँ? हाँ, बोलेंगे क्या, सब लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं निर्जा सबके लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज मेरे बेटा का जन्मदिन है, इसलिए हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मिल कर के हमारे बेटा के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि अपने जीवन में आगे बढ़े, चिरंजीवी रहे और स्वस्थ रहे। और हम सबके लिए फिर से मांगते हैं कि आप लोग ऐसे ही रहिए जैसा हम उम्मीद करते हैं। तो सही बात है जी, माँ के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से और अपने जितने भी प्रियजन है आप लोग हैं, आप लोग के दुआओं की वजह से जहाँ भी हैं जो भी हैं, और बहुत खुश है और उम्मीद करते हैं बस यही खुशी जो है जिंदगी भर बरकरार रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। यहाँ माँ आ गई पूजा करने के लिए, तो क्या बोल रहे माँ? आज भगवान के मंदिर में आप लोग सबसे पहले भगवान के चरण को आगे में रख करके आप लोग सबसे अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ। लगता है कि आप लोग इसमें सहमत जरूर होंगे और उम्मीद है, ईश्वर से उम्मीद है उसे आप लोग से भी। हाँ, बाकी यहाँ पे लड्डू गोपाल का पूजा हो गया। माँ ये दिया देखिए कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर, भगवान के दरबार में मिट्टी का जलता वो भी सुंदर लगता है। हाँ। सोना का जला दो वो भी सुंदर लगता है, पीतल का वो जितना हैसियत देगा वैसा दिया चलेगा। हाँ। लेकिन हम इस सब में भरोसा नहीं करते हैं, जो भरोसा है। करते हैं कि जो हमको है। हाँ। हम उसी में आपके लिए पान न पान का डंडी लेके खड़े रहेंगे। आप हमारी पूजा को प्रभु स्वीकार कीजिए। हाँ। उससे वैसे हम कुछ नहीं जानते, हम आपका नाम लेते हैं, भजन करते हैं बस, आप हमको इससे वैसे आता भी नहीं। हाँ। और पहले मैं सब दिन बगल के कोई मंदिर में जाती थी, लेकिन हमारा तबीयत खराब है अभी, माँ को सर्दी हो गया बहुत ज़्यादा, इसके चलते हम नहीं जा पाए। अभी जाएंगे माँ हम लोग काली बार। हाँ, लेकिन हम प्रभु से दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हो इसी मंदिर में चले आइए और निर्जा का प्रणाम अपने चरण में स्वीकार कीजिए। One eternity later. तो सभी लोग जी यहाँ पर तैयार हो गए और यहाँ पर चर्चा भी चल रही थी क्रियांश की, कि क्रियांश अपने दादा दादी दोनों को हाथ पकड़ के ले जा रहा था कि आप लोग भी चलिए, कि सब लोग साथ में चलिए। दादा बैठे रहते हैं कुर्सी पर। हाँ। बगल में हमको बैठाने के लिए, इसका मतलब जानता कि एक दूसरे से रिलेशन में है। बिल्कुल, अभी तो नहीं मालूम पति पत्नी है कि क्या है, लेकिन जानता है कोई रिलेशन है। और हमको और दिया को साथ खड़ा करके ऐसे खड़ा हो जाता है, कहता है फोटो खींचो, तो ऐसा है अभी आत्मा में उसको ये बात है। हाँ, तो फिलहाल जो है सभी लोग तैयार होकर के अब जो है हम लोग निकलने वाले हैं पास के हैं रेस्टोरेंट में। तो आज का मौका है, इसी ऐसा ही मौका आता है तो सभी लोग बाहर चल करके कुछ ना कुछ खाते हैं और गप्पे सप्पे हो जाती है और इसी तरह से जो है हमारा समय कट जाता है। तो इंतजार कर रहे हैं जिया के आने का, जैसे ही ऊपर लॉक लग जाएगा फिर चलते हैं। सब दिन तो लोग अपने ही घर में रहता है, यह एक अवसर है जो उसी बहाने भगवान के दरबार में सब परिवार हाजिर हो जाएंगे, माता से भी दुआ मांग लेंगे, घर में भोलेनाथ से मांगे और जन समाज से मांगे, परिवार से मांगे, रिश्तेदार से मांगे। और उसके बाद इसी बहाने लोग अपने घर में, तो लोग खाना सब दिन खाता है, रहन सहन भी अब पहले की अपेक्षा सबका ऊंचा है, किसी को खाने पहनने की कोई कमी नहीं,
लेकिन एक अवसर है, बच्चा का जन्मदिन है, मैरिज डे है या कोई ओकेजन है तो लोग जाता है रेस्टोरेंट में, सब परिवार एक साथ खा के खुशी मनाता है। भगवान कर इसी तरह चलता रहे और सबका चले, पीछे से हमको भी इसी साथ भगवान लगा दे। A few moments later. तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और क्रियान जो है ना इसके बाबा आगे बैठे थे, सोच रहे हम भी आगे जाए, तब से देख लीजिए जब से आप बैठे हैं तभी से आपको कह रहा है। हम लोग चलेंगे सबसे पहले मंदिर, उसके बाद कहीं कहाँ का प्रोग्राम है वो देखा जाएगा। देखो मेरे यहाँ जो भी काम होता है वैसे मैं अपनी बात नहीं करती हूँ, मैं सबकी बात करती हूँ हमेशा। तो जहाँ कहीं भी कोई अच्छे काम होते हैं, चाहे ओकेजन हो या कोई छोटा सा भी हो या बड़ा सा भी हो, तो उसमें प्रत्येक आदमी पहले भगवान को याद करते हैं। जो हम लोग में यहाँ जो है मतलब एक गीत है जो अहीं के भरोसा जननी यहो जग ठानल है काली महारानी, तो यही बात, तो वही जग जो आराधते हैं तो वहाँ हाजिर होते हैं। आप उनके हम क्या कहें, हमारी भक्ति पर या हमारे कर्म पर उनकी दया निर्भर करती है। हम तो सिर्फ भीख मांगते हैं, माता की जो इच्छा होगी वही करेंगे, और हमको क्या कमी है वह खुद जानती है। हमको लगता है देर सवेर करेंगे और ऐसा करेंगी जो जिसको हम ले भी नहीं पाएंगे ना, हम खुशी से उसको व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि लेट जब होता है किसी चीज़ में तो वह बहुत बड़ा चमत्कार होता है। खैर प्रभु हर माँ का अरमान इसी तरह पूरा हो, हर माँ यही उम्मीद करती है और भगवान से दुआ करती है। और मेरे बेटा का आज जन्मदिन है, सब आदमान से और अपने से भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा बेटा जो काम कर रहा है उसमें आगे बढ़े, चिरंजीवी हो, स्वस्थ रहे, उज्जवल भविष्य हो, और जैसे हम दो बच्चे माँ हैं उसी तरह वो भी बने। Few inches later. फिलहाल जो है मम्मी पापा सब जो है वहाँ काली मंदिर में है और हम जो है आ गए यहाँ पर श्याम वाटिका, बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है अपने कटिहार का, तो यहाँ से ले रहे हैं जी मिठाई। तो मिठाई लेकर के जो है चलते हैं। प्रियांश को सोचे थे कि बाबा के पास ही छोड़ देते हैं, लेकिन प्रियांश जिद करने लगा कि नहीं पापा के साथ ही जाना है, इसको भी लेकर के आ गए। यहाँ ये पंखा देख रहे हैं वहाँ पर बड़ा जैसा पंखा, पंखा देख करके बड़ा एक्साइटेड होता है। चलो तो बात ले लेकर 12 seconds later. तो मिठाई तो ले आई जी, मिठाई ला के जो है अंदर हमने दे दिया है और उसके बाद जो है चल करके पूजा करेंगे। और अंदर जो है मूर्ति सबका जो है रिकॉर्डिंग सब मना है, तो जो भी इस मंदिर का नियम है जिसका पालन करता है, तो क्रियांश भी बड़ा एक्साइटेड है, चलिए इसको लेकर के चलते हैं। होटल सन सिटी जो कि कटिहार का भी सबसे अभी नंबर वन में चल रहा है सन सिटी। इधर आ जाइए। बंद हो गया बाबू, अब नहीं खुलेगा गेट। लिफ्ट खोलना भी जानता है, जाता है मैं बाहर भीतर घूम तो खूब जानता है। Thank you.
देख लिया ना वो अंदर में। चल बताएंगे चलो बाय बाय।